नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूके के चुनाव के बारे में। बोरिस जॉनसन की कंजर्वेटिव पार्टी ने इन चुनावों को जीत लिया है, काफ़ी ज़बरदस्त जीत रही है कंजर्वेटिव पार्टी की। तो इस पूरे इलेक्शन को हम एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं यूके पर, स्कॉटलैंड रेफरेंडम पर, ब्रेग्जिट पर और साथ ही साथ लेबर पार्टी के फ्यूचर पर। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यहाँ फॉलो कर सकते हैं। मेरी सभी लेक्चर्स की अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। आप में से जो आईएएस 2020 के एस्पिरेंट्स हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको समस्या आती है, तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल सीरीज चला रहा हूं। ये एक पेड सीरीज है, इसे ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो के नीचे आ रहे ब्लू कलर के ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सकते हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद बोरिस जॉनसन ने कंजर्वेटिव पार्टी और अपनी इस जीत को एक ऐतिहासिक विक्ट्री बताया है। बिल्कुल ऐतिहासिक है, क्यों हिस्टोरिक है मैं आपको बताता हूं अभी, और इसे एक नई शुरुआत, न्यू डॉन कहा है, नया सवेरा कहा है। तो बोरिस जॉनसन, पहले ऐसा लग रहा था कि शायद ब्रिटेन के सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये पिछले 5 महीनों से ही प्रधानमंत्री है और अगर ये चुनाव हार जाते तो ऐसा हो सकता था, लेकिन इस चुनाव ने सुनिश्चित कर दिया है कि अगले आने वाले 5 साल तक बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री रहेंगे। और ये जीत ऐतिहासिक इसीलिए है क्योंकि 1987 के बाद से पिछले 32 सालों में कंजर्वेटिव पार्टी की ये सबसे बड़ी जीत है। इतनी बड़ी मेजॉरिटी कंजर्वेटिव पार्टी 365 सीटें लेकर आई है, इतनी बड़ी जीत उनकी नहीं हुई है पिछले 32 सालों में। और साथ ही साथ ये उनका चौथा कंजुकेटिव टर्म है, यानी 4 चुनाव लगातार ये जीत कर सरकार बना चुके हैं, 2010 में, 2015, 2017 और अब 2019। हालांकि इनमें से 2 बार इनकी जो सरकार थी वो बाहरी समर्थन के कारण चल रही थी अन्य पार्टियों के, बट स्टिल मेजॉरिटी थी कंजर्वेटिव्स की। तो कंजर्वेटिव पार्टी एक तो लगातार चौथी बार चुनाव जीती और एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक शिफ्ट जो इस चुनाव में देखा गया है वो ये कि इन्होंने लेबर पार्टी के जो ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, यानी जो पुराना किला होता है कहा जाता है जिस पार्टी का, जहां सालों साल लेबर पार्टी जीतती आ रही थी, ऐसे एरियाज में इन्होंने जीत हासिल करी है। कई ऐसी सीट्स हैं जिनमें पहली बार कोई कंजर्वेटिव पार्टी का कैंडिडेट जीता है, जहां पर हमेशा लेबर जीतती आई थी, ऐसे कुछ एरिया हैं, खास करके वेल्स का एरिया, मिडलैंड्स और नॉर्थ इंग्लैंड में, वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी ने जीत हासिल करी है और लेबर के पुराने ट्रेडिशनल जो किले हैं, गढ़ हैं, उन्हें ध्वस्त कर दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आखिर 2 साल में ही चुनाव क्यों हुए। 2017 में ब्रिटेन में चुनाव हुए थे, वहां पर भी भारत की तरह 5 साल में चुनाव होते हैं और इनफैक्ट इसके लिए वहां कानून भी है जिसका नाम है फिक्स्ड टर्म पार्लियामेंट्स एक्ट। 2011 में ये कानून पास हुआ था जो साफ तौर पर कहता है कि 5 साल जब तक खत्म नहीं होते हैं किसी भी पार्लियामेंट के या लोकल बॉडीज के, तब तक चुनाव नहीं हो सकते। लेकिन इस पार्लियामेंट के कानून को बाईपास करते हुए 29 अक्टूबर को एक स्पेशल बिल पास किया गया था यूके की पार्लियामेंट में और वो बिल पास हुआ जिसका नाम था अर्ली पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन बिल, और इसके बाद चुनाव फिक्स हुए थे। और ये पूरी नौबत क्यों आई थी, क्योंकि 19 अक्टूबर को ब्रेग्जिट डील फिर से फेल हो गई थी। जो ब्रेग्जिट डील बोरिस जॉनसन पास करना चाह रहे थे वो पार्लियामेंट ने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कुछ मेंबर्स उसके खिलाफ थे, साथ ही साथ ऑपोजिशन भी उनके खिलाफ था और उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं थी, उनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इसीलिए वो अपनी ब्रेग्जिट डील पास नहीं करवा पा रहे थे। कुल मिलाकर इस इलेक्शन का रीजन है ब्रेग्जिट। आज जब मैं ब्रिटेन के चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में पढ़ रहा था तो एक इंटरेस्टिंग टर्म मेरे सामने आया, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। ब्रिटेन के चुनाव में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है एक सिस्टम लागू हो जाता है सरकारी ऑफिशियल्स पर जिसे कहते हैं पर्दा सिस्टम। तो जो भारत में पर्दा प्रथा होती है वहीं से ये शब्द लिया गया है। तो देखिए हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री आज भी कितनी लिंक्ड है कि यहां का शब्द, भारत का शब्द ट्रैवल होकर इंग्लैंड चला गया और वहां के इलेक्टोरल सिस्टम में इतना प्रोमिनेंट है। तो जैसे पर्दा गिरा दिया जाता है चेहरे के सामने, वैसे ही ब्रिटेन के सारे सरकारी अफसरों के सामने एक पर्दा गिर जाता है जिस दिन चुनावों की घोषणा होती है। तो जैसे भारत में आचार संहिता है वैसे ही ब्रिटेन में पर्दा सिस्टम है। तो कोई भी सिविल सर्वेंट किसी भी तरह की बड़ी घोषणा नहीं कर सकते, नई स्कीम्स अनाउंस नहीं कर सकते ताकि किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को फायदा ना हो। तो इन चुनाव के पहले एक शब्द काफी न्यूज में था, वो था वोटर फटीग। फटीग का मतलब है कि यूके के वोटर्स वोट दे देकर थक गए हैं। 2010 में आम चुनाव हुए, 15 में आम चुनाव हुए, 17 में फिर से चुनाव हुए जो मध्यावधि चुनाव थे, उसके बाद 2019 में अब फिर से चुनाव। तो पिछले 10 सालों में 4 बार इलेक्शंस हो चुके हैं, उसके अलावा ब्रेग्जिट रेफरेंडम भी हुआ था। तो एक ब्रिटेन का जो आम वोटर है वो 5 बार वोट देने जा चुका है, और उसके अलावा म्यूनिसिपल इलेक्शंस या लोकल बॉडी इलेक्शंस वो सब अलग हैं, ठीक है। 5 बार तो नेशनल लेवल के लिए वो वोट देने जा चुका है एक आम ब्रिटिश वोटर। और ब्रिटेन में ज्यादातर चुनाव, सारे चुनाव गर्मियों में होते हैं क्योंकि सर्दियों में वहां टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो 1923 के बाद से ब्रिटेन में कोई भी चुनाव सर्दियों में नहीं हुआ है और ये मध्यावधि चुनाव हो रहे हैं दिसंबर में।
तो ऐसा माना जा रहा था कि वोटर टर्नआउट कम रहेगा, लेकिन ज्यादा कमी नहीं आई है, केवल 1% की कमी आई है वोटर टर्नआउट में। और देखिए टेम्परेचर्स कितने लो थे, कई जगहों पर -4, -5 degrees जितना टेम्परेचर था। और मैं पर्सनली सलाम करता हूँ ब्रिटिश वोटर्स को कि इस तरह की सर्दी में वो वोट देने गए हैं, जहां पर रजाई से बाहर निकलना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। अब मैं आता हूँ एक्चुअल चुनावी नतीजों पर। ब्रिटेन में दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, एक होता है ऊपरी सदन, जैसे हमारा राज्यसभा है वैसे ही वहां पर होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है निचला सदन जिसे हम कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स हमारी लोकसभा की तरह है, यानी यहां पर डायरेक्टली जनता चुनती है मेंबर्स को। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में है 650 मेंबर्स और यहां पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं 793। तो इन 650 मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है। तो 650 सीटें हैं, मेजॉरिटी मार्क क्या होगा इसका, आधा प्लस वन यानी 326। 326 वो जादुई आंकड़ा है जो मेजॉरिटी आपको ले आता है। अब ब्रिटेन में वैसे कई पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, लेकिन इस वक्त दो बड़ी पार्टीज हैं, कंजर्वेटिव्स और लेबर। कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं बोरिस जॉनसन, लेबर के हैं जर्मी कॉर्बिन। तो कंजर्वेटिव पार्टी इस चुनाव में जीती है 365 सीट और लेबर जीती है 202, यहां पर 202 लिखा हुआ है लेकिन जब तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक ये 203 हो चुका है। तो 365 सीटों के साथ इन्होंने मिडवे मार्क आसानी से क्रॉस कर लिया है, मेजॉरिटी 326 है, ये 365 जीत चुके हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए जरा वोट शेयर पे। कंजर्वेटिव पार्टी ने टोटल वोट्स में से 43.6% वोट हासिल किए हैं, पिछले चुनाव में उनका वोट प्रतिशत था 42.4, तो इनका वोट परसेंट ज्यादा नहीं, केवल 1.2% वोट शेयर इनका बढ़ा है। दूसरी ओर लेबर पार्टी ने केवल 32% वोट हासिल किए हैं और पिछले चुनाव में इनका वोट शेयर प्रतिशत था 40, यानी इनका वोट शेयर प्रतिशत लगभग 8% नीचे आया है। और यही आपको सीटों में भी नजर आएगा। तो जहां कंजर्वेटिव पार्टी ने पिछले चुनाव में 317 सीटें जीती थी, ये 2017 के आंकड़े बता रहा हूं मैं आपको, और लेबर पार्टी ने जीती थी 262, तो आप देखेंगे कि यहां पर भी सीटें कम हुई है और यहां पर सीटें बढ़ी है, लेकिन ये वोट शेयर बहुत नीचे गया है। 8% वोट शेयर काफी बड़ा होता है। तो ये फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जो भारत में भी फॉलो होता है, उसकी एक खास बात है कि आप अपना वोट शेयर केवल कुछ प्रतिशत बढ़ाकर सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा कर सकते हैं। तीसरा यहां पर ट्रेंड जो हमें एनालाइज करना है वो ये कि स्कॉटलैंड की जो पार्टी है, स्कॉटिश नेशनल पार्टी, जो चाहती है कि स्कॉटलैंड एक अलग देश बने, उसने स्कॉटलैंड में 49 में से 48 सीटों पर जीत हासिल करी है, जो कि बहुत ही बड़ी जीत है। दूसरी ओर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये भी एक छोटी पार्टी है, इनके पास पिछली बार 12 सीटें थी और इस बार रह गई हैं 11। लेकिन काफी हैरानी वाली बात है कि जो इनकी पार्टी की लीडर हैं जो स्विंसन, ये खुद अपनी सीट पर हार गई और केवल 150 वोटों से हारी है, 149 वोट से हारी है टू बी प्रिसाइज। इस मैप में आपको और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, ये 2017 का मैप है, ये है 2019 का मैप। 2017 में ब्लू कलर जो दिखा रहा है वो कंजर्वेटिव पार्टी की सीट्स हैं। तो यहां पर 2017 में ये जीते थे 317 सीटें और अभी ये जीते हैं 365। लेकिन खास बात ये है कि जो ये रेड एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, सेंट्रल में, नॉर्थ में और वेल्स में, ये लेबर पार्टी के गढ़ हैं। यहां पर लेबर पिछले 100 सालों से कंटिन्यूअसली जीतती आ रही है। इनमें से ऐसी कई सीटें थी जहां पर कभी कंजर्वेटिव पार्टी नहीं जीती है आज दिन तक। लेकिन आप इस नक्शे में देखिए अब यहां पर कितना बड़ा चेंज आया है कि लेबर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है सेंट्रल इंग्लैंड में, वेल्स में और साथ ही साथ काफी हद तक नॉर्थ इंग्लैंड में भी। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है लेबर पार्टी के लिए और कंजर्वेटिव पार्टी के लिए काफी अच्छी बात है कि जो ट्रेडिशनल वोट्स हैं वर्कर्स के, फैक्ट्री वर्कर्स के, जो हमेशा लेबर को जाते थे, वो इस बार कंजर्वेटिव पार्टी को मिले हैं। तो इसीलिए ये ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है कंजर्वेटिव पार्टी की। और दूसरी ओर स्कॉटिश नेशनल पार्टी जो येलो कलर में आपको यहां नजर आ रही है, पिछली बार भी उन्होंने 35 सीटें जीती थी, मेजॉरिटी थी, लेकिन इस बार तो उन्होंने स्कॉटलैंड में पूरी तरह से सफाया कर दिया है सारी पार्टीज का और 48 आउट ऑफ 49 सीट स्कॉटलैंड की है इस वक्त एसएनपी की। पिछले चुनाव में 17 के चुनाव में किसी भी पार्टी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली थी, लेबर के पास भी नहीं थी और कंजर्वेटिव के पास भी नहीं थी। 317 से कम है। तो जो कंजर्वेटिव सरकार चल रही थी वो भी दूसरी पार्टियों के आउटसाइड सपोर्ट के कारण चल रही थी। देखिए कंजर्वेटिव पार्टी हालांकि 2017 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी थी, 317 सीटें लेकर आई थी, लेकिन फिर भी ये मेजॉरिटी मार्क से कम था, 326 चाहिए। तो दूसरे पार्टीज के आउटसाइड सपोर्ट से, बाहरी समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी और ये एक बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ इन्हें कि इन्हीं की पार्टी के कई सदस्य जो ब्रेग्जिट की पॉलिसी के खिलाफ थे उन्होंने पार्टी छोड़ दी और इसीलिए अभी रिसेंटली जब चुनाव हुए उससे पहले कंजर्वेटिव एमपीज की संख्या केवल 288 थी। लगभग 30 एमपीज ने पार्टी को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ ब्रेग्जिट। ऐसा लेबर के साथ भी हुआ, लेबर के भी 15 सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़ दी और कईयों ने लिबरल डेमोक्रेट ज्वाइन कर ली थी, कई इंडिपेंडेंट रह गए। तो इस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट में किसी के पास भी मेजॉरिटी नहीं थी और इसीलिए 2019 का चुनाव हुआ क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी और बोरिस जॉनसन चाहते थे कि हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हो। इस चुनाव में मेन मुद्दे क्या रहे,
तो देखिए 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा था ब्रेग्जिट, उसके बाद था NHS यानी वहाँ की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है जो हॉस्पिटल्स चलाती है सारे, तो ब्रिटेन में हेल्थ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है, भारत की तरह नहीं है कि हेल्थ बिल्कुल मुद्दा ही नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा था हेल्थ, इनफैक्ट आप देखिए क्राइम और इकोनॉमी से ऊपर है हेल्थ का मुद्दा, क्योंकि NHS की फंडिंग कम हो रही है और लोग चाहते हैं कि NHS को फंडिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स हायर हों, ज़्यादा नर्सेज हों हॉस्पिटल्स में, और ये एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा था। अब हम बात करते हैं चुनाव हारने वाली लेबर पार्टी के बारे में। तो लेबर पार्टी का ये पिछले 85 सालों में सबसे खराब प्रदर्शन है और इसका मुख्य रूप से दोष दिया जा रहा है जेरेमी कॉर्बिन को। जेरेमी कॉर्बिन पिछले 4 साल से लेबर पार्टी के लीडर हैं, 2015 के चुनाव के बाद इन्हें लीडर इलेक्ट किया गया था पार्टी का, लेकिन इनके नेतृत्व में पार्टी ने लगातार 2 चुनावों में प्रदर्शन अपना कम किया है। तो पिछले चुनाव में फिर भी सम्मानजनक 262 सीटें ले आए थे, लेकिन इस बार तो 203 सीटें आई है, जो 1935 के बाद से 1935 के बाद से इनका सबसे खराब प्रदर्शन है। और यहाँ पर एक बात बहुत ही हैरानी वाली थी कि इनका वोट शेयर काफ़ी ड्रास्टिकली कम आया है, 8% वोट शेयर इनका कम हुआ है पिछले चुनाव के कंपैरिजन में, और इसका रीज़न यही माना जा रहा है कि जेरेमी कॉर्बिन की एक्सट्रीमिस्ट पोजिशन से, उनके सोशलिस्टिक व्यूज से, उनके बयानबाजी वक्तव्यों से कई सारे ट्रेडिशनल लेबर वोटर भी नाखुश थे और उसी के कारण ये वोट शेयर में कमी देखी गई है। तो जेरेमी कॉर्बिन पर दबाव है कि वो अपना पद छोड़ें। ब्रिटेन में पॉलिटिक्स में ये आम बात है कि जो भी लीडर, जिस लीडर के नेतृत्व में पार्टी चुनाव हारती है वो इस्तीफा दे देता है, काफ़ी रेयरली अगर कोई बहुत ही मजबूत लीडर है तो ही वो दूसरे चुनाव में पार्टी उस पर भरोसा दिखाती है। तो जेरेमी कॉर्बिन ने भी इस्तीफे की पेशकश कर दी है और उन्होंने कहा है कि मैं अर्ली नेक्स्ट ईयर इस्तीफा दे दूंगा, तुरंत नहीं दे रहा हूं लेकिन कुछ महीनों के अंदर अंदर ये इस्तीफा दे देंगे। तो लेबर पार्टी के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि अब लेबर पार्टी को अगले 10-20 साल किस डायरेक्शन में जाना है, किस दिशा में जाना है, ये उन्हें तय करना होगा। वोटर्स इनके ब्रेग्जिट स्टैंड से भी काफ़ी कन्फ्यूज थे, लेबर पार्टी की लीडरशिप क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाई कि हम ब्रेग्जिट के लिए कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्या हम ब्रेग्जिट चाहते हैं, क्या हम नहीं चाहते हैं। इनका जो स्टेटमेंट था वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था और इसीलिए वोटर्स ने इन्हें नकार दिया। अब हम आते हैं ब्रेग्जिट पर। कंजर्वेटिव पार्टी और बोरिस जॉनसन का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा था ब्रेग्जिट, इनफैक्ट इन्होंने अपना नारा ही यही बनाया था, गेट ब्रेग्जिट डन, ये इनका चुनावी नारा था। इन्होंने अपना कैंपेन प्लेज कहा था, इनका चुनावी वादा ही यही था कि मैं किसी भी तरह से ब्रेग्जिट करवा के रहूंगा, अगर कंजर्वेटिव्स को मेजॉरिटी मिलती है तो हम 31 जनवरी तक ही ब्रेग्जिट करवा देंगे। और इन्होंने चुनाव जीतने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें भी ये बात रिपीट करी है कि वी विल गेट ब्रेग्जिट डन ऑन टाइम बाय 31 जनवरी, नो इफ्स नो बट्स नॉट मे बी, कोई मे बी नहीं है, कोई शंका नहीं है, हम 31 जनवरी 2020 को ब्रेग्जिट करवा के रहेंगे। लेकिन ये कैसे होगा, देखिए ऐसी उम्मीद करी जा रही है कि अगले ही हफ्ते पार्लियामेंट में सरकार पेश करेगी ब्रेग्जिट फ्रेमवर्क की क्या डील यूके रखेगा यूरोपियन यूनियन के सामने। तो जैसे ही वो पार्लियामेंट में पास हो जाती है, अब हो जाएगी क्योंकि इनकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जैसे ही वो डील पार्लियामेंट के थ्रू पास होती है यूरोपियन यूनियन से बातचीत होगी और 31 जनवरी 2020 तक एक डील फाइनलाइज हो जाएगी। अगर यूरोपियन यूनियन उस डील को रिजेक्ट भी कर देता है तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बोरिस जॉनसन नो डील ब्रेग्जिट करवा देंगे, यानी बिना किसी डील के वो यूरोपियन यूनियन से पुल आउट कर जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की। इन चुनावों का एक दूरगामी परिणाम स्कॉटलैंड के भविष्य पर भी पड़ सकता है। स्कॉटलैंड ने ज़्यादातर सीटें जो हैं SNP को थमा दी हैं। स्कॉटलैंड में इस चुनाव में 59 सीटों पर वोट हुआ इस एरिया में, ये स्कॉटलैंड है बाय द वे, यहाँ पर 59 सीट्स हैं हाउस ऑफ कॉमन्स की, जिसमें से 48 सीटों पर SNP पार्टी ने जीत दर्ज करी है। SNP यानी स्कॉटिश नेशनल पार्टी, इसकी लीडर है निकोला स्टर्जन, और जैसे ही चुनाव के नतीजे आए इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सेकंड रेफरेंडम के लिए पुश करेंगे। सेकंड क्यों, क्योंकि 5 साल पहले ही एक और रेफरेंडम हुआ था, 2014 में एक स्कॉटिश इंडिपेंडेंस रेफरेंडम हुआ था जिसमें लोगों ने इस बात के लिए वोट डाला कि स्कॉटलैंड को यूके से आज़ाद होना चाहिए या नहीं। हालांकि उस समय ये वोट हार गए थे क्योंकि 55% लोगों ने कहा कि हमें यूके में रहना है। लेकिन अब फिर से रेफरेंडम की डिमांड क्यों उठ रही है, क्योंकि स्कॉटलैंड जो है वो ब्रेग्जिट नहीं चाहता है। ये वाला जो मैप है लेफ्ट साइड में आप जो देख पा रहे हैं, ये 2016 के ब्रेग्जिट वोट का नतीजा है। तो यहां पर आप देखिए स्कॉटलैंड, बाय द वे ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड पूरी तरह से अलग रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। तो जहां पर इंग्लैंड और वेल्स, इन दोनों ने वोट किया था ब्रेग्जिट के फेवर में, स्कॉटलैंड ने वोट किया था ब्रेग्जिट के अगेंस्ट। तो अब SNP का ये मानना है कि क्योंकि हम ब्रेग्जिट नहीं चाहते हैं, हम यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते हैं, तो हमें फिर से अलग देश बनाने की बात उठानी पड़ेगी। इस चुनाव की एक बहुत अच्छी बात ये रही है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हाउस ऑफ कॉमन्स में बढ़ गया है, आज दिन तक का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है, 221 सीटों पर महिलाओं ने जीत दर्ज करी है 650 में से। तो 34% MP अब यूके में महिलाएँ हैं, तो ये बहुत अच्छी बढ़ोतरी है, क्योंकि 1980s में, 80 के दशक में केवल
23 महिला एमपी हुआ करती थी, तो ये आंकड़ा 4% के आसपास था, तो 4 से 34 हो गया है ये 30 सालों में, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। 2017 के चुनाव से भी बढ़ोतरी देखी गई है, तब 208 महिला एमपी चुनी गई थी। कंजर्वेटिव पार्टी में 86 महिला एमपीज बनी है और लेबर पार्टी में तो अब 50% से भी ज़्यादा एमपीज महिलाएं हैं। दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष बोरिस जॉनसन को बधाई दे चुके हैं और इनमें डोनाल्ड ट्रंप की बधाई बिल्कुल अलग ही है, इनका अंदाज ही निराला है, तो पॉज करके इनकी बधाई को ज़रूर पढ़िएगा, काफ़ी शानदार बधाई दी है इन्होंने बोरिस जॉनसन को। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।